सो हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज है 21 मई और अभी बज रहा है 12:30 दोपहर के। और मैं सुबह उठ गया था एक बार, वैसे दवाई लेके फिर सो गया था, अब मैं दोबारा उठाऊँ। बाकी अभी लंच रेडी हो रहा है, लंच करते हैं थोड़ी बहुत देर में। और दीदी है ना, सेल दीदी, आज बहुत देर से हंसे जा रही है। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रेंड का आज बर्थडे। कौन सी फ्रेंड? वो नहीं थी अभी जो मैंने रूरू का स्केच बनाया था? हाँ, तो रूरू की जो बुआ जी है ना, मतलब दीदी की जो फ्रेंड है, छाया नाम है उनका, उनका बर्थडे आज। तो ये वीडियो कॉल पे तीनों फ्रेंड, तीनों बेस्ट फ्रेंड मिलके हंसे जा रही थे। इनका बर्थडे देखियो। अरे इसे लीड को हटा ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अंजलि। अंजलि कहाँ गई? तो गाइस ये तीनों फ्रेंड्स अपने बैठ के बातें कर रही है वीडियो कॉल पे। जा तो सकते नहीं है एक दूसरे के घर क्योंकि कोरोना की वजह से। बाकी अभी ऐसे ही हंस रहे बहुत देर तक। देखिए और होता भी ऐसे ही है गाइस, जब कोई जितने भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जिसका भी जो भी बेस्ट फ्रेंड होता है, सब जब मिलते हैं आपस में काफ़ी खुश हो ही जाता है। बाकी चलो अभी लंच होगा, लंच के बाद मिलते हैं आपसे करने के बाद। और गाइस मम्मी ने आज मम्मी फ्रॉक बना रही है दीदी कि देखूँ। सो गाइस अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और दीदी बना रही है खाना आज हमारे लिए। मम्मी अपना काम कर रही है और अभी मैं चाहता हूँ दीदी की थोड़ी हेल्प कराता हूँ कि आज सलाद उलाद काटने में। दिखाते हैं मम्मी क्या काम करती है। वो हो गया कंप्लीट दीदी वाला। चल दीदी बना रही है हमारे लिए खाना। क्या क्या बना दिया? दाल तो नहीं बनाएंगे? दाल तो मत। सॉरी सॉरी माय फॉल्ट है। वेज रोटी बनाई दीदी ने। देखे ओ ये जला रखी है। आज मैं समझ गया कैसा खाना मिलने वाला है। चलो गाइस मैं सलाद काटता हूँ फिर मिलता हूँ। सो गाइस अभी मैं सलाद तो काट दिया, लेकिन सलाद काटते हुए हल्का था मेरे हाथ में कट लग गया, यहाँ पे मामूली था लगा कट लग गया। और अभी मैंने एक खीरा थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, मतलब ख़राब क्या पुराना हो रहा था। मम्मी ने कहा कि मानी और देख दे ये खाने के, तो मैं मानी के आगे रखा हूँ। इतनी नींद में ना मानी इतनी ज़्यादा हल्की हो रखी है, इसके आगे मैं खीरा रखा हूँ काट कर उसे दिखने ना दे। मानी कितने आवाज हो रही है? ओ भाई ओ भाई, तो इतनी आवाज हो रही है, लेटे लेटे ही खा लिया। चलो गाइस अभी लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 8 और मैं सो गया था दोपहर का खाना खाने के बाद। दोपहर का खाना खाने के कुछ देर बाद मैं पढ़ा 1-1.5 घंटा, उसके बाद मैं सो गया था। ठीक है, शाम को पापा भी आ गए थे ना टाइम से ही, फिर पापा चले गए थे गाँव में, किसी की तबीयत खराब है तो उसकी वजह से पापा को जाना पड़ा। बाकी अभी मैं ड्राइंग रूम में बैठा था, नई ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अब की बार पेंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, स्केच आर्ट वर्क स्टार्ट नहीं कर रहा, पेंट आर्ट वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ। सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं वर्क को, बाकी दिखा ही दूंगा, वीडियो बना लूँगा अलग से, वरना वैसे दिखा दूंगा व्लॉग में बीच बीच में क्या वर्क करने वाला हूँ मैं। चलो फिर मिलते हैं आपसे वर्क करने के बाद, या फिर वर्क करते करते मिल जाए। सो गाइज अभी मैंने थोड़ा बहुत वर्क कर लिया इस वाले आर्ट वर्क पे, और बाकी मम्मी ने डिनर के लिए आवाज़ क्या लगा दी, मैं तो इसी रूम में बैठा हूँ ना। तो मम्मी ने कहा डिनर रेडी होने वाला है तो खाने के लिए लिया जाए या नहीं लाया जाए। मैंने कहा लिया, भूख भी लग रही है, बाकी बाद में कर लेंगे काम। बाकी एक जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था, मैं जिस पेपर पर नॉर्मली वर्क करता हूँ ना गाइज, वाटर वर्क हो या फिर आर्ट वर्क हो, आर्ट वर्क के लिए जो अलग पेपर यूज़ करता हूँ, वाटर वर्क के लिए जो अलग पेपर यूज़ करता हूँ ना मैं, वो पेपर मेरा ख़त्म हो रखा है। बाकी मैं कैनवस ड्रॉ करता हूँ तो कैनवस भी ख़त्म हो रखे हैं, शॉप्स खुल नहीं रही, जिससे स्टेशनरी शॉप्स पे से मैं लेके आ जाऊँ। मैंने पूछी भी थी आज एक दो फ्रेंड थे, हमें कहा कैनवस ख़रीदना था, कोई शॉप खुली होगी आसपास? उसने मना कर दिया। बाकी कैनवस के लिए तो कल ट्राई करेंगे सुबह 11 बजे से पहले पहले, कोई शॉप अगर खुली हो। वैसे मैं अगर किसी पेपर पर ही वर्क करता था ना, जो जिस पेपर पर मैं अपना पेंट आर्ट वर्क करता था,
वो पेपर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता था और वो मेरे पे ख़त्म हो रखा था, तो मैं इस वाले पेपर पर कर रहा था। इसका मेरे को नाम तो नहीं पता, बहुत पहले लाया था मैं ये का टेक्सचर आ रहा। देख रहे हो गाइस ब्रशेज के अलग ये दिख रहे हैं, ये ब्रशेज के अलग वो है, ये देख रहे हैं सब मैशअप हो रखा है। मतलब बहुत ही बेकार क्वालिटी का पेपर है, कहना तो नहीं चाहिए था पर है। अब पता नहीं वो टेक्सचर कैसे ला पाऊंगा, जो मुझे मेन जो सामने देखने वाले को जो लगे ना हाँ एक अट्रैक्टिव लुक है आर्ट का, वो पता नहीं ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा। बाकी तो अभी चलो गाइस अभी डिनर करते हैं। यार ये पेपर बड़ा बेकार निकला उनमें, ये पढ़े थे ना पहले के पुराने, इन पर आर्ट वर्क में पेंट वाले करता नहीं दूसरे वाले पर करूँगा, ये इतना बेकार निकला। देख रही हो ब्रश के कैसे आ रहे, अब पता नहीं वो कैसे दिखाऊंगा मैं जो मेन अट्रैक्टिव थिंग का। चलो गाइस डिनर के बाद मिलता है फिर। डिनर में क्या है हमारे पास आज? डोसा प्यारा डोसा मसाला डोसा प्यारा प्यारा। चलो गाइस फिर डिनर के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी डिनर हो चुका है और दीदियां बैठी है। ओए डिनर कर लिया तूने? यार तुमने मैंने दो ही डोसा खाया, मैंने दो पैकेट मैगी खा ली थी। हां वो भाई तो बहुत चालू है, मुझे बिना बताए दो दो पैकेट मैगी खा गई। बाद में जब मैं उठ गया ना जब बता रही तुझे बता आज मैंने दो दो पैकेट मैगी खाए और कोल्ड ड्रिंक भी खत्म कर। वाह भैया तो तुम चोरी छिपे जो काम कर रहे हो उसे बाद में अपने पेट में दबा कर रखो बात को। अब बता भी रही है किसे, किसी और को नहीं बताई मुझे ही बता। चलो गाइस अभी तो मैं अपने रूम में आ गया था और अभी मैं बैठ के टाइपिंग करूँगा थोड़ी बहुत देर, स्पीड अप करेगी अपनी और फिर एंडिंग करेंगे ब्लॉग की थोड़ी देर में। बाकी पापा भी आ चुके हैं गाँव से, अभी पापा नहा लिया अच्छे से और पापा डिनर कर रहे हैं अभी बैठ के। टाइम रखा है रात के बज रहे हैं 10:15, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस जस्ट अभी अभी मैंने लास्ट वाली क्लिप जो भी अभी अभी जो आपने देखी होगी ना वो जस्ट अभी अभी बनाई थी, मुश्किल से 1 मिनट नहीं हुई होगी। 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने 2 ट्राई लिए, 3rd ट्राई जो लिया उतना आ गया। वेट 7.80 मिली सेकेंड टाइम आ गया, बताओ। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी इन दिस टाइपिंग स्टफ। चलो गाइस फिर मैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहूँगा, ये डेली डेली दिखाऊंगा तो बोर हो जाओगे आप भी। बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो गाइस अभी रात के बज रहे 12 और मैं बस एडिटिंग कंप्लीट करी थी और आज मेरा वाईफाई ख़त्म हो चुका है ना, वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हो चुका था आज, सो आज वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई, बहुत ही देर से लगा रखी है, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा देर हो गई वीडियो को अपलोडिंग पर लगाए हुए। कभी मम्मी के फ़ोन से अपलोडिंग पर लगा रहा हूँ, मतलब नेट शेयर करके अपने फ़ोन में, कभी पापा के से, बट अपलोड हो ही नहीं पा रही काफ़ी। अब तो 12 से भी ऊपर हो गया टाइम, बट कोई नहीं, अब हो रही है धीरे धीरे अपलोड हो जाएगी जब तक भी होगी, क्या करें। बाकी और इतनी रात को दीदी वो लगा रही है, क्या नाम है, शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा थोड़ा सामान समेट लिया ना, तो आज इसने अपना सीरियल देखने चक्कर में इतनी लेट काम स्टार्ट करा, रात को 11:30 बजे स्टार्ट करा, 12 से भी ऊपर हो गया टाइम थोड़ा सा, और अब तक इन्होंने बुक समेटे जा रही है दीदी इधर उधर करके, कभी दूसरे रूम से जा रही है इस वाले में रख रही है, इधर से जा उधर रख रही है। चलो गाइज इसी साथ आज के ब्लॉग को भी एंड कर लेते हैं। सो गाइज अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय।